आशा में थोड़ा तुम मिला ये हमारा। Hey guys, तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको वी एन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो मैं वी एन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। वी एन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फ़ोटो पे आना है और गाइस यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली एरो वाले आइकन पे क्लिक करना है, ओरिजिनल में क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9:16 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको फ़ोटो के ड्यूरेशन को कम से कम 9.5 सेकंड तक बढ़ा लेना है। तो फ़ोटो पे क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल करके आपको फ़ोटो के ड्यूरेशन को 9.30 सेकंड तक बढ़ा लेना है। उसके बाद सिंपली आपको ब्लैक लेयर को डिलीट कर देना है। अब गाइस आपको फ़ोटो के फर्स्ट में आना है, पिक्चर वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पे क्लिक करना है, फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये वाला शेडो वाला पिक ऐड कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर ले। उसके बाद सिंपली आपको इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार। फिर आपको इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक बढ़ा लेना है जहाँ तक फ़ोटो है। फिर आपको फ़ोटो के फर्स्ट में आना है, फिर से पिक्चर वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये वाला वीडियो इफेक्ट ऐड कर लेना है। इसकी वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप सभी मटेरियल को डाउनलोड कर ले। उसके बाद आपको सिंपली फिल पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग में क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे स्क्रीन में सेट कर लेना है और राइट पे क्लिक करके बंद कर देना है। फिर से गाइस आपको पिक्चर वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको लिरिक्स ऐड कर लेना है, म्यूजिक भी इसी में है, ब्लेंडिंग में क्लिक करना है और इसे भी आपको स्क्रीन में सेट कर लेना है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, अब इसे आपको एडजस्ट कर लेना है ऐसे स्क्रॉल करके, थोड़ा आगे ले लेता हूँ जिससे मुझे म्यूजिक दिखाई दे। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके वॉल्यूम पे क्लिक करना है और इसको आपको 100% कर लेना है। तो गाइस हमारा वीडियो बनके हो चुका है तैयार, तो मैं सिंपली आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अब वीडियो सेव करने के लिए इसे एक्सपोर्ट में क्लिक करना है और राइट में क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।